आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस के आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक करना है, कहाँ चेक करना है, क्या आ गया है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस का आईपीओ अलॉटमेंट, सभी चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आपको वीडियो को कर देना लाइक, लाइक करना कंपलसरी सा हो ही जाता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ही लीजिए। उसके बाद डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिए, वैसे डिस्क्लेमर पढ़ना आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के आईपीओ के, तो के फिनटेक वेबसाइट के ऊपर आपको आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस देखने को मिलेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर किसी के पास लिंक नहीं है तो लिंक उन्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आपको जाना है, रिसेंट आईपीओ पे क्लिक करना है, सिलेक्ट आईपीओ पे यहाँ पर आपको दिखेगा ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस का आईपीओ। अभी दिख नहीं रहा है, दोपहर तक या शाम तक आपको दिखना शुरू हो जाएगा ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस का आईपीओ। इधर आपको जाना है, पैन कार्ड सेलेक्ट करना है, एप्लीकेशन डीपी क्लाइंट ये सब सेलेक्ट नहीं करके सिंपली आपको आपका पैन कार्ड जो डीमैट अकाउंट से लिंक्ड है वो सिलेक्ट करना है, कैप्चा डालना है, सबमिट करना है। आपको पता चल जाएगा कि आपको आईपीओ में शेयर्स अलॉट हुए हैं कि नहीं हुए। थोड़ा सा देर हो सकता है, आई गेस दोपहर तक नहीं तो शाम तक आपको पक्का दिख जाना चाहिए, और अगर आज नहीं खोला तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कल इसी लिंक पे दिख जाएगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, एक कंपनी के हाथ में। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो करना लाइक, चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो वैसे कर लीजिए, फ्री है, डिटेल इन्फॉर्मेशन यहीं पर आपको देखने को मिलती है। धन्यवाद।